जो छत हम देख रहे हैं उस पर गोल्डन प्लेट से कंप्लीट था दैट टाइम। उस कॉर्नर में अभी गोल्डन पेंटिंग बची है वो बस हमारे लिए। ये शाहजहाँ मुमताज का खास महल है, आई मीन बेडरूम है। सोने के बेड हुआ करते थे शाहजहाँ मुमताज की, जो सामने देख रहे हैं वो गोल्ड पेंटिंग बची हुई है अभी। ये जिसमें जो मार्बल लगा हुआ है वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लाया गया था, वो सॉरी मकराना राजस्थान से लाया गया था। जो मार्बल इसमें लगा हुआ है वो इसी मार्बल से ताजमहल बनाया गया था। ये शाहजहाँ मुमताज का खास महल आई मीन बेडरूम है। ये जो हम सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग सर्वेंट पैलेस। जोधा भाई की शादी होती 150 से ज़्यादा लेडीज सर्वेंट लाई थी। इसके पीछे छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं सर्वेंट के, जो विजिट के लिए बने। ये जो हम देख रहे हैं नीचे, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उस समय का। ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। ये जो हम आ गए हैं अंदर, ये है एयर कंडीशनर महल। इसके दीवारों में गैप होता था और पानी भर जाता था, और इसमें जब बाहर टेम्परेचर गर्मी में रहता था 50 डिग्री, तो इसके अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर रहता था दैट टाइम। इसे हम कहते हैं एयर कंडीशनर महल मुगल टाइम का शाहजहानी महल। ये जो हम गेट देख रहे हैं अंदर, ये गजनी गेट है। 16.5 फीट इसकी हाइट है, 13.5 फीट इसकी चौड़ाई है। जो सोमनाथ का मंदिर है उसके शिव जी के मंदिर से निकाल के गेट को ले गया था और उन्होंने गजनी में जाके रख दिया था। 800 साल बाद अंग्रेजों ने वापस इस गेट को ला के यहाँ पे रखा। वो जो गेट था वो चंदन की लकड़ी का था। अंग्रेजों ने चीटिंग किया, चंदन की लकड़ी का गेट भेज दिया लंदन, और ये देवदार की लकड़ी का नकली गेट यहाँ ला के रख दिया है। तो बोला कि हमने आप इंडियंस के ऊपर उपकार किया है, उन्होंने ये डबल चीटिंग किया था। ये दूसरी बेटी का पालकी वाला महल वही सेम है, रोशनहारा झानहारा का एक जैसा पालकी वाला महल है। दोनों में से किसी की भी शादी नहीं की थी उन्होंने। ओके, अनऑफिशियल लेडीज का मतलब होता है कि मुगल राजा होते, हिंदू राजा पे हमला करते थे और उनकी रानियों को कैप्चर करके लाते, राजा को मार देते थे और यहाँ पे रखवाते थे, जो हरम होता है उसमें रखवाते थे और उनके साथ अनैतिक कार्य करते थे। स्विमिंग पूल है शाहजहाँ मुमताज, इसमें स्विमिंग करते थे। रोज वाटर चलता था, फाउंटेन चलते थे। आगे हम जो सामने देख रहे हैं गार्डन है, जो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, इसमें अंगूर का बाग होता था, अंगूर खाते थे और बाकी के अंगूर की शराब बनवाते थे। और ऊपर नीचे चारों तरफ रूम दिख रहे हैं, इनमें अनऑफिशियल लेडी रहती थी, हरम की दासियां। ओके, रॉयल टाइगर रहते थे फोर्ट की सुरक्षा के लिए दैट टाइम। आ रहा होगा इसमें रॉयल टाइगर रहते थे फोर्ट की सुरक्षा के लिए दैट टाइम। नीचे जो हम देख रहे हैं आगे वाली कैनाल में क्रोकोडाइल रहते थे फोर्ट की सुरक्षा के लिए, और वहाँ आर्मी के जवान तोप लगा के बैठते थे फोर्ट की सुरक्षा के लिए। नदी इतनी दूर है वो वहाँ तक जा रही है अभी, वो रोड जहाँ है वहाँ तक चलती थी उस समय जब मुगल टाइम में। इसका जो बनावट है ये पालकी के जैसा है, आप देख रहे हैं ऐसे कंधे पे डालते हैं लेफ्ट और राइट से, और बीच में आप देख रहे हैं पालकी का ये महल हुआ करता था। जहानारा शाहजहाँ की लड़की का नाम था, जो उनका ये महल था, आप देख रहे हैं ऐसे। शाहजहाँ की बेटी जहानारा का यह है दोस्तों विल्ला किला महल है दोस्तों, और ये महल है इस प्रकार से था पुराने ज़माने में, आप देख रहे हैं। एक जंजीर बनवाया गया था जो 80 मीटर था, 80 मीटर हाइट था उसका, और जो कोई भी आता था वो घंटी को बताता था, जिसे इनको पता चलता था तो ये कचहरी में बुला के और उसका मीटिंग कराया जाता था। उसको बांधा था एक चोर यहाँ बांधा, दूसरा गार्डन में बांधा था, और जो फरियादी आता था वो घंटी बजाता था, और घंटी के बाद उनके जागीर खड़ा हो जाता और उसको पूछता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसकी समस्या जानने के बाद उसे दीवान आम कचहरी में बुलाया जाता था और उसके साथ इंसाफ किया जाता था। ये जो हम देख रहे हैं मुसम्मन बुर्ज है, और ये जो मुसम्मन बुर्ज देख रहे हैं, मुसम्मन बुर्ज का अर्थ होता है कि सबसे ऊंचा बुर्ज। इसको शाहजहाँ ने 1640 में कंप्लीट कराया था, और उसके बाद 12.5 साल शाहजहाँ मुमताज ने यहाँ पे एंजॉय किया था। मुमताज की जब डेथ हो गई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, जब 14वीं प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ 1653 में जब ताजमहल कंप्लीट हुआ तो उसकी बॉडी को बुरहानपुर से ला के ताजमहल में दफन कर दिया गया था।
उसके बाद राजा अकेले रह गए, कोर्ट में नहीं जाते थे और परेशान रहते थे। औरंगजेब ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाया था, क्योंकि वो एक दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे, ताजमहल ब्लैक ताजमहल। उसने मना किया, खजाने में पैसा नहीं है। 33 लाख रुपया इसको फोर्ट को बनाने में लगा और ताजमहल में भी काफ़ी पैसा लगा। उस समय पैसा लगा ताजमहल 22 लाख, इसलिए उन्होंने इसको मना कर दिया। जब शाहजहाँ को मना कर दिया तो शाहजहाँ को बंदी बनाया और बंदी बना के यहाँ हाउस अरेस्ट किया। 1658 में शाहजहाँ को बंदी बना के हाउस अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद शाहजहाँ को जब बंदी बना के हाउस अरेस्ट किया और उसके बाद 1666 में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बेटी जान आ रही थी तो नाव में रख के शाहजहाँ की बॉडी को ताजमहल में ले गई, दफन कर दिया। इसे हम कहते हैं शाहजहाँ की जेल। ये सीढ़ियों से उतर के ये जो रास्ता है, ये सीक्रेट रास्ता है जो नदी पर जाता है। ओके, आइएगा।